रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। दो तीन चार दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो एक महीने माना था, दो महीने की यात्रा थी इसकी, दो तीन महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आ गए, रो बुरी तरह रहे। तब आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का, उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए। वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रो इसी बुरी तरह रहा था, उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था उसका, बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई सज्जन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की, ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधन उनको कंबल कुंबल साथ में देता, तो यह टोक टाक दिया करती जी, दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पढ़ने हैं। तो उसने इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रस्ते का जो पैसा था लेके गया था, युद्धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया, अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का, और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नौकर करेगी, और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा, उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सेम्पति सी कराने लगी। काफ़ी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीव नहीं। तो वो कहने लगी ऐसा कौन सा धन था। तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी, उसने कहा हमने रामकृष्ण जी कभी मिले या शंकर भगवान मिले हो, और चलो मिल भी जाते जब उनकी सती थी सारी स्पष्ट होगी, आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए, आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ, जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया, या गलती कैसे खाई। तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, अरे ऐसी हानि होगी आमनी अब यह पूर्ति नहीं हो सकती, मैं घना नीच हूँ, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोजाना कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे, नो देखे सा आवे कोई साधु, अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे शायद आ गया हो, जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता भाग लेती थी, श्री राम आ गए श्री राम आ गए,
ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा तो वो भी गया देखने के लिए कि शायद वो महात्मा आगे हो फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया, अब नू तो पहचान सकता नहीं क्योंकि उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लग्या कहन, वो जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये मृत्युंजय हैं, कालज्जय हैं। लाला जी ने कहे माँ हैं, रॉन्ग नंबर है। उठ के चल पड़ा, यो नहीं, वो कोनी, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी, उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी उसी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते हैं महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी, कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ, जहाँ धर्म होते हैं ना धर्म यज्ञ वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ, ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगवा दे वहाँ पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहाँ भी मैं ही जाता हूँ। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी, फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आप आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब उसने कहा था एक दिन का, उसने 3 दिन का धरा क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे एक दिन में ना आवे मात गुरु जी महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ये देखता है भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं नहीं आए, सारा दिन गया, फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही सती थी रही, अगले दिन भी, तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं इस जीवन में, इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया, वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। एक कदम का पेड़ था जहां वो भंडारा चल रहा था, उसे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। एक मिनट में जहां से जा पहुंच जाते हैं, और धर्मदास जी देख ही रहे थे कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर, फिर इधर उधर देखा तो सामने क्या देखा को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा दौड़ा गया, निकट से देखा कति ज्यों का त्यों स्वरूप और जिंदा महात्मा का रूप, चरणा में पड़ गए, सीने के लपट गए, जो कर बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे, और कहने लगे महाराज वो आंखों में देखे आंसू भरे, ये परमात्मा माफ कर दियो, इबका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को। उसके न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ू नहीं कति, चाहे क्यों कर कम्य करना पड़ो, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूँ, और ऐसे कर इन सब को फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना, क्योंकि मालिक को पता था
जैन में तो एक दो सिर फिरायु साधु रह गए ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खूटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तुम। और वो हाथ जोड़े महाराज जाइयो ना अकना बेटा, मेरा वचन है नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने फटाफटा के उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फारे करे और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को, आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया भगवान, बैठिए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो रो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था, मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़े था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गंदे जाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म करा मैंने, अब इसके जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ यू बच्चा स्वीकार करेगा, और नहीं तो मैंने तीन दो दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने हाँ भर ले फिर मुकर जा, इव यू सारी मानेगा। अख हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानन की बात से लाला जी था कति हाँ भर है। दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। अका अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोग दिखाई दे, परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए, तीन दिन और तीन रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं, दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब बहुत गुणे लोग, क्योंकि सेठ था, जंतर मंत्र झाड़े सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में, सारी सती थी दिखाई, जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था, आदनीय मलुकदास साहिब जी को, आदनीय नानक साहिब जी को, आदनीय दादू साहिब जी को, आदनीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जदर वाले को, आदनीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत गणे पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा तीसरे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घरवाले ने सोचे चलो ये भगवान जीत गया, यूँ जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर वाई जुलाहे का काम करूँ और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा चोट पहुँचा वहाँ पर काशी में, वहाँ देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।